नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेडिटेशन पे। और एक बार फिर से हम लेके आ गए एक नया टॉपिक जिसमें हम बताएंगे श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष आज से शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष का समापन 25 सितंबर 2022 को किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पितृपक्ष रहते हैं। इसमें कौए का खास महत्व होता है। कौए को निवाला देने के बाद पितृपक्ष संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में पितरों की पूजा, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। हालांकि इस बार श्राद्ध 16 दिन के हैं। आइए बात करते हैं क्या है इनकी मान्यता। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की श्रद्धा पूर्वक याद करने से उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध पितरों की मुक्ति के साथ साथ उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध करने से उनकी कृपा प्राप्ति होती है और हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में श्राद्ध पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान भी है। अब बात करते हैं श्राद्ध जरूरी क्यों है। किसी के मरने के बाद एक वर्ष तक कार्यकाल प्रतीक्षा काल माना जाता है। बरसी तक श्राद्ध कर्म नहीं होते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ घर के द्वारे पर आते हैं। श्राद्ध धर्म कर्म तीन पीढ़ियों का होता है। इसमें मातृकाल, पितृकाल, नाना और दादा दोनों शामिल होते हैं। तीन पीढ़ियों से अधिक का श्राद्ध कर्म नहीं होता। पितरों के नाम से भोजन निकालने से पहले गाय, कौवा, कुत्ते का आश निकाला जाता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पितृदोष क्यों लगता है। किसी इंसान के मरने के बाद अगर विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए तो पितृदोष लगता है। दूसरा, अकाल मृत्यु हो जाने पर परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष दंश का सामना करना पड़ता है। अकाल मृत्यु होने पर पितृ शांति पूजा कराना जरूरी माना जाता है। तीसरा, माता पिता का अनादर, मृत्यु के बाद परिजनों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करना पर पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। पितरों का अपमान करना, किसी असहाय की हत्या, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ कटवाने जाने, अनजाने नाग की हत्या करना या करवाना पितृदोष का कारण बनता है। आइए अब बात करते हैं पितृपक्ष 2022 की संपूर्ण तिथियाँ। पूर्णिमा का श्राद्ध 10 सितंबर शनिवार पूरा दिन, एकम का श्राद्ध 11 सितंबर रविवार दिन में 1:15 तक, द्वितीय का श्राद्ध 11 सितंबर रविवार दिन में 1:15 से लेकर 12 सितंबर सोमवार 11:30 तक, तृतीय का श्राद्ध 12 सितंबर सोमवार 11:30 के बाद 13 सितंबर सुबह 10:35 तक, चतुर्थी 13 सितंबर मंगलवार सुबह 10:35 के बाद पूरा दिन तक, पंचमी का श्राद्ध 14 सितंबर बुधवार सुबह 10:25 के बाद पूरा दिन, षष्ठी 15 सितंबर बुधवार सुबह 10:25 के बाद पूरा दिन और 16 सितंबर शुक्रवार दोपहर 12:18 तक रहेगा। सप्तमी का श्राद्ध 16 सितंबर शुक्रवार दोपहर 12:18 से लेकर 17 सितंबर शनिवार दोपहर 2:15 तक रहेगा। अष्टमी का श्राद्ध 18 सितंबर रविवार पूरा दिन, उसके बाद नौमी 19 सितंबर सोमवार पूरा दिन, दशमी का श्राद्ध 20 सितंबर मंगलवार पूरा दिन, एकादशी 21 सितंबर बुधवार पूरा दिन, द्वादशी 22 सितंबर गुरुवार पूरा दिन और त्रयोदशी 23 सितंबर शुक्रवार पूरा दिन, चतुर्दशी 24 सितंबर शनिवार पूरा दिन और अमावस 25 सितंबर रविवार पूरा दिन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन अप रहे, और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।